हेलो गाइस, मैं जतिन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कर्म एंड को एजुकेशन। तो गाइस, मैं आज कोडिंग डिकोडिंग के सब्स्टिट्यूशन कोडिंग चल रहा था हमारा। हमने लास्ट उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, बेसिक वीडियो डाली थी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज़ उसको एक बार देख लेना। और मैंने सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पे एक क्वेश्चन भी कराया हुआ है। आज मैं इस पर एक और नया क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इसको करने का तरीका वही जो पहले वाले मैंने क्वेश्चंस में बताया था। जैसे सबसे पहले नथिंग अबेंडन सप्लाई पब्लिश, इस तरीके से कोड लिखा हुआ है किसी का, एम ए क्यू ए ए आई और यू ए। तो इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, हमने देखा नथिंग, हमें एक वर्ड मिला नथिंग। फर्स्ट लाइन को कंपेयर करें सेकंड से, क्या नथिंग इसमें है? बिल्कुल है, नथिंग ये रहा, नथिंग ये रहा। ठीक है, अगर आगे देखते हैं, हमें एक बार और कंफर्म करना पड़ेगा कि नथिंग और भी कहीं दिख रहा है यहाँ पे। सुपर सप्लाई मिडल ग्रिड, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर किया, यहाँ तो एक मिल गया। फिर फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर किया, हमें नथिंग यहाँ नहीं मिला। और फर्स्ट को अगर फिर फोर्थ से कंपेयर किया तो यहाँ एक नथिंग मिल रहा है हमें। यानी यहाँ भी नथिंग है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तीन जगह नथिंग है। यानी नथिंग का कोड हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या बता सकते हैं? नथिंग इसमें है तो तीनों में एक ही कोड होगा जो सब में होगा। मैंने देखा यहाँ से एक ए आई है, ठीक है, एक ए आई ये रहा, तो एक ए आई ये रहा। यानी नथिंग का कोड हमें पता लग गया कि ए आई जो कोड हो गया वो किसका हो गया, नथिंग का हो गया। इसको मैंने काट दिया, नथिंग का कोड मैं अब नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे पता लग गया नथिंग का कोड। अगली बार पढ़े तो अबेंडन को चेक किया कि इस वाले में अबेंडन है, बिल्कुल ये रहा अबेंडन है। बट और कोई वर्ड तो और साथ में कॉमन नहीं है, सप्लाई है, सप्लाई इसमें भी है, ठीक है। तो अबेंडन और सप्लाई को भी मैं ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल के लिए कि अबेंडन और सप्लाई। क्या है इसमें दोनों में कोड? एक अबेंडन सप्लाई, यहाँ एक क्यू ए है, यहाँ भी क्यू ए है, यहाँ सप्लाई में और क्या हो सकता है, एक एम ए है, एक एम ए है। यानी एम ए और क्यू ए, इन दोनों में से कोई एक कोड होगा, अभी मुझे नहीं पता। अब वो पता चलेगा थर्ड से चेक करने के बाद। जब हम फर्स्ट से थर्ड से कंपेयर करें तो मैंने देखा सुपर सप्लाई, सप्लाई हमें एक मिल गया, सप्लाई यहाँ भी है, सप्लाई यहाँ भी है, सप्लाई यहाँ भी है। तो इसका मतलब तीनों में वो कोड भी कॉमन होगा। तो देखते हैं वो कौन सा कोड है। मैंने देखा क्यू ए यहाँ पे है, ठीक है, क्यू ए यहाँ पे है, क्यू ए ही यहाँ पे है। यानी पता लग गया सप्लाई का कोड क्या आया, यानी सप्लाई का कोड यहाँ से क्या निकल के आया, क्यू ए, ठीक है। सप्लाई का कोड क्यू ए हो गया, तो फिर नॉर्मली सी बात है, तो हमें पता ही अबेंडन का फिर कोड क्या बचा, एम ए। सप्लाई का कोड हो गया क्यू ए और अबेंडन का कोड हो गया एम ए। अब इसको मैं काट देता हूँ, जो जो मैंने लिख लिया है, एम ए लिख दिया, एम ए को उसको काट देता हूँ, और क्यू ए का कटा हुआ है ये भी काट देता हूँ, बस बाकी जो सब हैं। अगले पे बने अबेंडन का हो गया, सप्लाई का हो गया है। अब बचा यहाँ पब्लिश। जब ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ से ये कोड कट चुका है, ये भी कट चुका है, एम ए ये भी कट चुका है, बचा यू ए। तो ये किसका होगा? ऑटोमेटिकली पब्लिश का कोड होगा ये, यानी पब्लिश का कोड हो गया यू ए। यहाँ से ख़त्म, फर्स्ट लाइन पूरी क्रॉस हो चुकी है। सेकंड पे आए तो ग्राउंड, अबेंडन भी कट चुका है, अबेंडन का ये कोड ए आई जो था हमें मिल चुका है, एम ए मिल चुका है, सप्लाई का हो चुका है, तीन कोड यहाँ से भी कट चुके हैं, बचा एक टी ए। तो वो किसका होगा? यहाँ से नथिंग कट गया, सप्लाई कट गया, अबेंडन कट गया, बचा क्या? ग्राउंड। यानी ग्राउंड का कोड क्या होगा? टी ए। ग्राउंड का कोड निकल के आया टी ए, यानी ये भी ख़त्म। थर्ड लाइन पे आए सुपर सप्लाई मिडल ग्रिड, सप्लाई का कोड ख़त्म हो चुका है, इसको तो हम चेक नहीं करेंगे। क्या था सप्लाई का कोड? क्यू ए। यानी ये रहा, ये तो ख़त्म हो चुका है। सुपर मिडल ग्रिड, अब तीन बचे हैं यहाँ से, इसको हम कंपेयर करते हैं नीचे वाले से, शायद कुछ कॉमन मिल जाए। यहाँ से नथिंग एक हट गया, अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ सुपर यहाँ लिखा हुआ है थर्ड में, और सुपर फोर्थ में भी है, तो इन दोनों में कोई एक कॉमन भी होगा। ओ ए, क्या इसमें ओ ए है? नहीं है। जे आई, जे आई भी नहीं है। एच ए, ये रहा एच ए, यानी एच ए, एच ए ख़त्म। यहाँ से ये सुपर ख़त्म, यानी सुपर का कोड निकल के आया आपके सामने एच ए। अब देखते हैं तो क्या बचा है, यहाँ बचा है मिडल, यहाँ बचा है ग्रीड, यहाँ बचा है प्राइज, यहाँ बचा है विक्ट्री, जिसका हमें अभी तक कोई कोड नहीं बचा। तो मैम यह लिख सकते हैं ऐसे ही नॉर्मली में कि प्राइज और विक्ट्री, इन दोनों में से किसी एक का कोड हो सकता है एन आई और के ओ, हमें ये बात पता नहीं है। यहाँ क्या बचा है? मिडल और ग्रीड, यहाँ लिखा मैंने मिडल और ग्रीड, उनके से कौन से दो कोड बचे हैं? एक बचा है जे आई और एक बचा है ओ ए।
एक लिखा मैंने जे आई और एक लिखा मैंने ओ ए। तो आपने देखा इसको इस तरीके से सॉल्व किया गया, हमें यहाँ से इन दोनों के कोड नहीं पता लगे, इन दोनों में से या तो यह प्राइस का एन आई होगा या के ई होगा या विक्ट्री का के होगा एन आई होगा, ये हमें यहाँ नहीं पता लगा। और यहाँ पे हमें मिडल और ग्रीड का भी कोड नहीं पता लगा, या जे आई होगा या ओ ए होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अब हमारे लिए ये बिल्कुल वेस्ट है, अब हमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसके ऊपर से उसको सॉल्व करना होगा। तो गाइस मैंने आपको सॉल्व करना दिखाया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बना है इसके ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज ओ ए एच ए, पूछा गया आपसे ओ ए और एच ए का कोड क्या बनेगा। तो हम देखते हैं यहाँ से मैंने देखा कि एच ए का कोड मुझे पता है सुपर है, यानी मैंने यहाँ लिख दिया एच ए का कोड मुझे पता है सुपर है। क्या ओ ए का कोड हमें कन्फर्म है? मैं अगर देखा तो ओ ए है मिडल में, मिडल का भी हो सकता है ग्रिड का भी हो सकता है, कोई कन्फर्मेशन तो है नहीं कि क्या होगा, या वो मिडल का भी हो सकता है या फिर ग्रिड का भी हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन से देखा मैंने प्राइस और मिडल, भाई एक का कोड एच ए का तो पता ही है हमें सुपर आना चाहिए, तो इसमें तो किसी में सुपर है ही नहीं, इसको क्रॉस कर दिया। बी पे गए ग्रीड और सप्लाई, ये भी नहीं है क्योंकि सुपर का कोड एच ए का तो हमें कन्फर्म है सुपर होगा, यानी सुपर तो है ही नहीं, ये भी गए। सी पे आया तो यहाँ मिल रहा है सुपर और ग्रीड, क्या सुपर और ग्रीड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि हाँ इसका एच ए का सुपर और ग्रीड का ओ ए। बट अगर हम यहाँ पे ही इसका आंसर मार देंगे, हमें देखना पड़ेगा, हमें इसको कन्फर्मेशन नहीं है, शायद हो सकता है कि हाँ ग्रीड का कोड शायद ओ ए हो सकता है या मिडल भी तो हो सकता है, ये भी तो कह सकते हैं मिडल का भी तो कोड जे आई हो सकता है। तो अगर हम इसको छोड़ने के बाद नीचे देखें, नीचे में भी सुपर दे रखा है और मिडल दे रखा है, यानी यहाँ भी सुपर का होगा और मिडल भी होगा। बट जब हमने ऑप्शन ई ध्यान से देखा तो यहाँ पे बच्चे कुछ कमी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वो सी आंसर मार देंगे या फिर डी कर देंगे, ठीक है सुपर इसमें भी है या मिडल का होगा या ग्रिड का होगा। बट उन्होंने ऑप्शन नंबर ई नहीं देखा, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। क्या है इसमें लिखा हुआ है? सुपर ग्रिड और सुपर मिडल। हमें पता है कि या तो सुपर ग्रिड होगा या सुपर मिडल होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ऑप्शन सही क्या होगा? जो होगा फिफ्थ, ये आपका बिल्कुल सही होगा, ना कि सी और डी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसके ऊपर, पांच क्वेश्चन बनते हैं इस पे मिनिमम। तो क्वेश्चन सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज नथिंग अबैंडन्ड सप्लाई सॉरी सुपर, ये तीन पूछा गया आपसे, नथिंग अबैंडन्ड और सुपर, इनका कोड क्या होगा? तो नथिंग का कोड मैंने लिखा हुआ है ए आई, अबैंडन का कोड मैंने लिखा हुआ है क्या ही अबैंडन का कोड एम ए, और सुपर का कोड हमें सुपर का कोड पता है, सुपर का कोड है एच ए, यानी जिसमें भी ये तीनों कोड आएंगे वही हमारा ऑप्शन होगा। ए आई क्यू ए टी ए ये तो है नहीं क्रॉस, एम ए कोड है ठीक है, एच ए भी है, अगला ए आई होना चाहिए था यू ए है रॉन्ग हो गया, ए आई भी है, एच ए भी है, एम ए होना चाहिए था क्यू ए है ये भी रॉन्ग हो गया, एच ए है बिल्कुल है, टी ए तो नया वर्ड है इसमें तो आना ही नहीं है गलत। तो सही क्या होगा आपका? नन ऑफ दीज, जो आपका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ई। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो आपने देखा होगा पांच क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जो हमें दिक्कत आ जाती है जिसे सॉल्व करने में, वो क्वेश्चन होता है ऐसा कुछ इस तरीके सा कि आपसे बोला गया इफ प्रेडिक्ट द प्राइस नाउ इज कोडेड एज डब्ल्यू एक्स क्यू एम बी डी जेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एन आई। आपसे बोला गया कि आपको ना कुछ कोड दे दिया गया कि प्रिडिक्ट द प्राइस और नाउ, इनका कोड इन चारों में से कोई एक है, मतलब किसका, ये भी हो सकता है ये भी और ये भी, कुछ इस तरीके से बोला गया। आपसे पूछा गया क्या गया एन आई का कोड बताओ। तो भाई इसको किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ हमें पता है कि एन आई का कोड या तो प्राइस होगा या विक्ट्री होगा, क्योंकि प्राइस और विक्ट्री में से एन आई और को का इनको हमें पता है कि इन दोनों में किसी एक का कोड होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इसमें इन्होंने हिंट दे दिया, ये क्या दे दिया हमें प्राइस, प्राइस यहाँ पे आया हुआ है और इनमें से किसका एक कोड होगा एन आई और के ओ में से, यानी के ओ ये रहा, यानी यहाँ से ये बात पता लगी हमें कि प्राइस का कोड हमें यहाँ इन्होंने हिंट में दे दिया के ओ। तो अगला कौन सा बचा इसमें एन आई, तो एन आई ही कोड होगा और वो किसका होगा बचे हुए का, यानी किसका विक्ट्री का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है जो सही होगा। तो गाइज कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिनको सॉल्व किया जाता है कुछ इस तरीके से। तो गाइज क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द कोड ऑफ मिडल, मिडल का कोड आपसे पूछा गया, बताने कि मिडल का कोड क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ देखा जो हमने सॉल्व करके निकाला था कि मिडल का कोड क्या है, हमें पता है कि मिडल और ग्रिड का कोड या तो जे आई होगा या ओ ए होगा,
तो एन आई तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन कैसे भी कट गया, या तो जे आई होगा या ओ ए होगा। तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, आइदर जे आई और ओ ए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिस हिसाब से पूछा जाता है, जिसका हम आंसर क्या बताएंगे, आइदर ऑप्शन डी, आइदर जे आई और ऑप्शन और ओ ए, जो बिल्कुल सही होगा। तो गाइज लास्ट क्वेश्चन इस पे बना है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कोड ऑफ ग्राउंड सप्लाई। आपसे पूछा गया ग्राउंड और सप्लाई का कोड क्या होगा, तो ग्राउंड का कोड हमें यहाँ से पता है क्या है, टी ए। अगला है सप्लाई, सप्लाई का कोड क्या है, यहाँ से सप्लाई का कोड है क्यू ए, यानी जिसमें भी ये टी ए और क्यू ए होगा ऑप्शन में वही सही होगा। इसमें है एम ए टी ए, यानी ये तो नहीं होगा। अगला है ए आई क्यू ए, क्यू ए तो है पर टी ए नहीं है, ये भी नहीं होगा। क्यू ए टी ए यानी ऑप्शन सी हमें सही मिल गया, तो इसका आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके ऊपर 5 क्वेश्चन बने थे गाइज, मैंने पांचों के पांचों आपको बिल्कुल करा दिए। तो गाइज नेक्स्ट मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ एक न्यू पैटर्न पे, जिसमें आपको चाइनीज कोडिंग का ही क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गाइज ये, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आइए वो देखते हैं। अब इसमें कोडिंग बिल्कुल अलग होगी, जो पहले आपने करा था उसकी कोडिंग अलग थी, अब इसको जो करेंगे उसकी कोडिंग अलग कुछ तरीके से होगी। जैसे बोला गया मस्ट मेक्स ओनली पार्ट, तो वही सबसे पहले स्टार्ट करा फर्स्ट लाइन से मस्ट, क्या इसमें कहीं मस्ट है, बिल्कुल है ये रहा मस्ट। क्या कोई और कुछ इसमें से इसमें मिल रहा है कंपेयर करने पे, मेक्स मेक्स इसमें नहीं है, ओनली ओनली इसमें नहीं है, पार्ट पार्ट इसमें नहीं है, यानी एक रफ फ्रेम लाइन खींची और हमें पता लगा मस्ट जो एक कॉमन वर्ड है फर्स्ट और सेकेंड लाइन में वो है मस्ट। इन दोनों का एक कोड भी कॉमन होगा, वो कौन सा है, वाई आई, क्या वाई आई इन दोनों में है, नहीं है। के ये रहा के, और तो कोई नहीं है इसमें, यानी के हो गया कट, जिसका किसका कोड मस्ट का, यानी मस्ट का कोड निकल के आया के। अगला है इनफ इज नॉट, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करने पे हमने यहाँ मेक्स था ओनली और पार्ट ये बचा हुआ है, सेकंड में इसमें थे तीनों कुछ नहीं आ रहे, अब इसमें थर्ड से कंपेयर करेंगे डिफेंड एंड सपोर्ट इनफ, डिफेंड एंड सपोर्ट इनफ, तो इसमें से कुछ मिल रहा है हमें कॉमन, तो देखा जाए हमें इनफ मिल रहा है, ये रहा इनफ, यहाँ इनफ है, तो इन दोनों का कोड भी एक कॉमन होगा, वो कौन सा होगा, जे ए, क्या जे ए है, बिल्कुल है, क्या और तो कोई कोड नहीं है इसमें, कोई और कोड है ही नहीं, यानी जे ए किसका कोड हो गया, इनफ का, तो यहाँ मैं लिख दूंगा जे ए कोड किसका है, इनफ का। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब आए फोर्थ लाइन पे, यहाँ बचा है डिफेंड एंड सपोर्ट, यहाँ बचा है डिफेंड सपोर्ट, यानी डिफेंड भी है सपोर्ट भी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिफेंड और सपोर्ट। अभी हम सिर्फ इसको कंपेयर कर रहे हैं, डिफेंड और सपोर्ट यानी दो इसमें से आएंगे, इनमें से कौन सा वो दो कोड जो कौन सा होगा वो कोड वो देखते हैं। डिफेंड और सपोर्ट यानी यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ भी डिफेंड है, और इसमें हमने देखा यहाँ लो आ रहा है, इसमें भी लो है, यानी एक कोड लो पक्का होगा। उसके बाद देखा जाए सपोर्ट एस ए ओ ए, और कौन सा है, एक ऐसे है एक ऐसे है, यानी डिफेंड और सपोर्ट का कोड एल और ऐसे में से कोई एक होगा, ये बात तो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, एल और ऐसे को। अब अगर हमने और एक कुछ कंपेयर करें, अब सबको कंपेयर किया जाए, तो और कोई कोड हमें मिल रहा है यहाँ से, मेक्स ओनली पार्ट मेक्स, तो हमने देखा फर्स्ट को फोर्थ से कंपेयर करने के बाद एक मिला है मेक्स, और एक मेक्स इधर भी है, इसमें से कौन सा है वो, वाई आई वाई आई, ये रहा वाई आई, वाई आई वाई आई कैंसिल, यानी वाई आई किसका कोड हो गया, मेक्स का, यानी इसका भी हट चुका है यहाँ से। यहाँ से दो बचे हुए हैं एम ई और जे आई, अब वो हमें नहीं पता वो ओनली का है या पार्ट का है, देखते हैं ओनली और पार्ट का कहीं पे और आ रहे हैं, ओनली और पार्ट नहीं आ रहे, यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं ओनली और पार्ट, इसका कोड एम ई और जे आई में से कोई एक होगा, एम ई और जे आई अभी हमें नहीं पता, इसको मैंने यहाँ छोड़ दिया। इनफ इज नॉट, यहाँ पे इज और नॉट दो बचे हुए हैं, अब अगर देखें नीचे कहीं इज और नॉट आ रहा है कहीं पे, कहीं नहीं आ रहा, यानी इज और नॉट का भी कोड हमें नहीं पता किसका क्या कोड होगा, बट हाँ ये दो बच रहे हैं, किसी का होगा गो और किसी का हो सकता है एफ ए, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। थर्ड लाइन पे है डिफेंड एंड सपोर्ट, डिफेंड और सपोर्ट का कोड मैंने लिख रखा है एल ओ और एस ए में से, अब ध्यान से देखा जाए एक वर्ड और बच रहा है यहाँ पे एंड, क्या एंड किसी में आया है ऊपर, नहीं आया, एल ओ भी लिख चुका हूँ मैं, एस ए भी लिख चुका हूँ, बचा है एक ओ ए, तो ओ ए किसका होगा, एंड का, तो ये कट गया यहाँ से, सिंपल सा निकल आया ओ ए किसका होगा, एंड का।
एल ए हट गया है, एस ए हट गया, ओ ए हट गया, यहाँ से ये सब कैंसिल हो चुके हैं। डिफेंड भी हट गया है, सपोर्ट सपोर्ट ये रहा, डिफेंड और सपोर्ट दोनों हट गए हैं। एल ओ कोड हट चुका है, एस ए कोड हट चुका है। अब आपने यहाँ से देखा एक बच रहा है जे ए, और यहाँ क्या बच रहा है इनफ, इनफ का जे ए हट चुका है, इसको भी कैट दो। तो यानी ये या तो अब हो गया पूरा यहाँ से सॉल्व। अब हमें यहाँ से पता लगा कि डिफेंड और सपोर्ट का कोड हमें नहीं पता, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, बट हमें नहीं पता कि डिफेंड का कोड क्या होगा या सपोर्ट का कोड क्या होगा, बट होगा इन दोनों में से कोई एक। अगले पे आए तो ओनली और पार्ट, इसमें हमें नहीं कोड पता किसका कौन सा कोड होगा, यानी ओनली का एम ई भी हो सकता है या पार्ट का एम ई हो सकता है, ये नहीं पता। और इज और नॉट का कोड हमें नहीं पता कि गो और एफ ए में से कौन सा होगा। अब इसके ऊपर 5 क्वेश्चन बनेंगे, वो देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, और ये बहुत स्टार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एक कोडिंग के ऊपर 5 क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने आपको बताया था उस 5 में से 4 तो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे आप लोग, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो फंस जाता है। तो वो क्वेश्चन कौन से होते हैं, वो क्वेश्चन मुझे इस तरीके से होता है, तो मैं आपके इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना आए एग्जाम में। जैसे इसमें बोला गया व्हाट विल बी द पॉसिबल कोड फॉर विश एंड मस्ट, अब आप लोग कहोगे कि एंड का कोड तो हमें पता है ओ ए, मस्ट का कोड भी हमें पता है के, बट एक विश कहाँ से आ गया, ये विश तो हमारे पूरी कोडिंग में आया ही नहीं, कहीं पे भी विश आया है? नहीं आया। ये विश तो कोई एक न्यू वर्ड हो गया हमारे लिए, तो बच्चे क्या करेंगे इसका आंसर क्या कर देंगे, सी एन डी, कांट बी डिटरमाइन, निकाल नहीं सकते, फाइंड नहीं कर सकते, तो सीधा ऑप्शन ई कराएंगे, जो हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, अगर हम इसमें ध्यान से देखें ना तो हमें ये पता है कि हमें एंड का कोड पता है क्या है ओ ए, मस्ट का कोड पता है हमें के ए। तो अब इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। विश एक नया वर्ड है, तो ये भी पता है कि हमें इसमें से वो एक कोडिंग जो लिखी है मैंने उसमें से नहीं होगा, यानी विश कोई एक नया वर्ड आएगा, कोड भी उसका कोई नया हिस्सा ही होगा। तो उस पर एक बार ध्यान से पहले ऑप्शन देखा जाए तो उसके बाद हम आंसर मार्क करते। जैसे मेरे को पता है कि ओ ए और के ए तो होंगे, ओ ए है के ए है, एम ई भैया एम ई तो कोड यहाँ पे ओनली और पार्ट का है, तो ये थोड़ी हो जाएगा क्योंकि विश का तो कोड नया होना चाहिए जो इनमें से ना हो, तो ये तो एम ई है, ये तो नहीं होगा। अगले में के और ओ ए होना चाहिए, के ओ तो है और ओ ए ही नहीं है, तो ये तो पैसे हट गया। सी पे आए ओ ए, ओ ए है के ए नहीं है, ये भी हट गया। ऑप्शन डी मैंने देखा ओ ए भी है, उसके बाद मैंने देखा के ए भी है, और मैंने एक ध्यान से नोटिस किया तो एक्स आई एक ये कोड है बिल्कुल नया, और नया का ही पूछा था, यानी ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। अब एक्स आई पूरे इसमें कहीं नहीं था, इसलिए हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कुछ इस तरीके से तो नहीं आया हुआ जो कोड बिल्कुल नया आ रखा हो, तो बिल्कुल एक नया एक कोड था, और उसका न्यू विश का कोड क्या बनेगा एक्स आई, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड इसके ऊपर क्या बना है, व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स, आपसे पूछा गया है मेक्स का कोड क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा है, हमने यहाँ देखा मेक्स का कोड हमने क्या लिखा हुआ है वाई आई, जो कि ऑप्शन सी में, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से एग्जामिनर हमारे से एक या दो क्वेश्चन इसमें गलत करा लेते हैं। अब एक मैंने आपको पहले कराया था, अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्यों है देखते हैं। बोला गया व्हाट विल बी द पॉसिबल कोड, संभावना पूछी गई आपसे, व्हाट विल द पॉसिबल कोड फॉर डिफेंड ओनली मेंबर, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था तो उसमें एक न्यू वर्ड आया था, यहाँ पे दो न्यू वर्ड आ गए, ओनली भी मेंबर भी, जिसकी कोडिंग हमारे पास है ही नहीं, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। डिफेंड तो है, ओनली भी है, मेंबर एक कोड नया है यहाँ पे, यानी मेंबर वाला कोड जो है वो नया है, एक कोड है जो बिल्कुल नया होगा, वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल सेम पीछे की तरीके से, जैसे डिफेंड का कोड क्या है हमें पता है। अब इसमें यहाँ भी एक दिक्कत ये आएगी कि डिफेंड और सपोर्ट का कोड लोअर ऐसे में से है, यानी हमें इसमें भी हमें पता नहीं कि कौन सा कोड होगा, ठीक है। ओनली ओनली का भी और ओनली और पार्ट का भी कोड हमें नहीं पता, एम ई और जे आई में से कोई एक होगा। उसके बाद मेंबर, मेंबर तो वैसे ही न्यू वर्ड है तो इसको तो पता ही नहीं कि क्या होगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ना आपको डिफेंड का कोड कन्फर्मेशन पता, ना ही ओनली का पता, ना ही मेंबर का पता, तो अब इसमें से अगेन बच्चा क्या करेगा सी एन डी कर देगा। मैंने नन ऑफ दीज दिया है, अगर इसमें ऑप्शन में दे रखा होता सपोज सी एन डी की जगह ये दे देता मैं
नन ऑफ दीज की जगह मैं दे देता सी एंड डी कांट बी डिटरमाइंड, तो पक्का वो ई ऑप्शन कर देता जो कि उसका गलत हो जाता, क्योंकि ये स्कूल बिल्कुल इसका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें, मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन से सबसे पहले देखें, डिफेंड का कोड एल और एस ए में से कोई एक होगा, ठीक है, तो एल और एस ए इसमें से कोई है? तो इसमें तो एल और एस ए कोई आया ही नहीं, तो ये तो हमें पता है ना कि डिफेंड का कोड इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो यानी कोई एक तो आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला, ठीक है। अगले पे गए तो एल और एस ए में से अगेन एक कोई कोड होना चाहिए था जो कि नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी पे आए, हमें एल ओ और एस ए में से कोई एक कोड हमें मिलना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है हमें, एल ओ तो मिल रहा है, ठीक है। अगर हम आए ओनली, ओनली और पार्ट में से एम ई और जे आई का कोई एक कोड होना चाहिए था, तो बिल्कुल एम ई और जे आई की जगह दे तो रखा एक कोड। अब आए मेंबर, अब हमें पता है मेंबर एक जो होना चाहिए वो बिल्कुल नया होना चाहिए, टी आई। अब मैंने देखा कि टी आई पूरे उसमें कोडिंग में आया जो मैंने सॉल्व करके लिखी थी, ओ ए गो एफ ई एम ई जे आई, टी आई कहीं पे नहीं आया, ये वाई आई है, इस पे कंफ्यूज मत होना, ये है टी आई, ये एक न्यू वर्ड आ गया। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ना कि ऑप्शन ई सी एन डी, कि इसको हम कांट भी डिटरमाइन नहीं बोल सकते, कि हम फाइंड नहीं कर सकते, हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। इसलिए ऑप्शन से देखना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता लग गया कि हाँ डिफेंड का कोड एल ओ रेस। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कैसे कन्फर्म, कन्फर्म तो हमें बोला ही नहीं ना, हमें तो पॉसिबिलिटी बोली गई है, संभावना कि पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि एल ओ और एस ए में से कोई एक कोड होगा, ये तो हमें पता ही है कि डिफेंड और सपोर्ट में से एल ओ और एस ए में से कोई एक होगा, इसलिए हमसे पॉसिबिलिटी पूछा गया, हमसे श्योर नहीं पूछा गया कि कौन सा सही होगा, यानी इसका एक एल ओ होगा, हमें ओनली का भी नहीं पता, बट हाँ एम ई और जे आई में से एक होगा, यानी जे आई दे रहा है, शायद वो हो। मेंबर एक न्यू वर्ड चाहिए था, न्यू वर्ड मिल गया, न्यू वर्ड की न्यू कोडिंग होनी चाहिए थी, वो है टी आई, जो कि ऑप्शन सी में है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम में आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बोला गया व्हाट विल बी द कोड फॉर सपोर्ट, आपसे सपोर्ट का पूछा गया कोड, और इसमें हमें पता है कि सपोर्ट का कोड तो हम डिफेंड और सपोर्ट का कोड एल और एस ए में से होगा। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इस इजी क्वेश्चन में भी कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। कैसे? हमसे सपोर्ट का कोड पूछा गया है, यानी हमें पता है कि डिफेंड और सपोर्ट का कोड को ये एल ओ और एस ए में से होगा, तो यहाँ एस ए है और यहाँ एल ओ भी है। अब एग्जामिनर क्या किया, दोनों आपको दोनों कोड लिख के दे दिए, तो बच्चा या तो बी कर देगा या सी कर देगा। अब यहाँ हमें नहीं बोला कि पॉसिबिलिटी बताओ, कि संभावना हो सकती है, संभावना बोली होती तो हम बता देते कि शायद एल ओ भी हो सकता है या ऐसे भी, बट यहाँ पे श्योर पूछा गया व्हाट विल द कोड ऑफ सपोर्ट, तो हम इसका क्या आंसर सही करेंगे? इसका सही आंसर होगा सी, सी ई सी एंड डी, यानी कांट बी डिटरमाइन, हम फाइंड ही नहीं कर सकते सपोर्ट का कोड, हमें क्या पता, हमें पता शायद वो ऐसे भी हो सकता है या फिर एल ओ भी हो सकता है, बट सही इसका आंसर क्या बनेगा, ई सी एंड डी, कि हम इसको कांट बी डिटरमाइन, फाइंड नहीं कर सकते। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फाइव, इसका लास्ट क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, जैसे आपसे इससे पूछा गया है सबसे इजी क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कोड फॉर मस्ट, आपसे मस्ट का कोड पूछा जा रहा है क्या होगा। तो सिंपल है, यहाँ से अगर हम देखें तो मस्ट का कोड हमें यहाँ दिख रहा है के, जो के किस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में, बिल्कुल सही होगा, सी एंड डी तो होगा नहीं कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि हम तो हमें बिल्कुल एक ही का दे रखा है डायरेक्ट मस्ट का कोड के, तो यानी क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो गाइस इसके ऊपर पांच क्वेश्चन बनते थे, मैंने पांचों के पांचों क्वेश्चन करा दिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, थैंक यू वेरी मच।